सौंपा गया। खबर हरिद्वार से, आज हम आपको बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट परवान त्यागी के निर्देशानुसार सभी जिलों के उप मुख्यालय पर अपने माध्यम से निम्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन एकता द्वारा एडीएम हरिद्वार द्वारा निम्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में सभी शुगर मिल चालू हो गई है और किसानों के द्वारा गन्ना कटाई कर मिलों में डाला जा रहा है, परंतु गन्ना सत्र शुरू होने के बाद भी गन्ना मूल्य तय नहीं किया गया है, जल्द ही गन्ना मूल्य घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों का शुगर मिलों पर बकाया गन्ना भुगतान तुरंत कराया जाए। उन्होंने बताया कि यदि ऐसा ना हुआ तो भारतीय किसान यूनियन एकता के कार्यकर्ता प्रदेश भर में आंदोलन भी करेंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एडवोकेट फरमान त्यागी द्वारा कई पदों को नियुक्त भी किया गया। मोहित चौहान को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मीडिया प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है जी, हमने इन्हें विधानसभा उपाध्यक्ष रानीपुर बनाया है, ठीक है। हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यासीन भाई हमारी जो किसानियों ने एकता उसे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत बधाई। वर्जन ले लिया क्या? मैं भारतीय किसानियों ने एकता का राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज माननीय डीएम साहब के माध्यम से हमने एक मुख्यमंत्री जी को किसानों की कुछ मांग के लिए एक ज्ञापन दिया है। एडीएम साहब ने ज्ञापन रिसीव किया है और उसमें ये कहा है कि आपकी जो जायज़ मांगे हैं सभी मांगे प्रशासन को हम जल्दी से जल्दी मांगों के लिए अवगत कराएंगे। दूसरा आज क्या था कि कुछ हमारी नियुक्तियाँ जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके लिए हमने कुछ नियुक्तियाँ तैयार की है, जिसके अंतर्गत जो हमारे मोहित चौहान जी जो हमारे भाई हैं वो मीडिया प्रभारी उत्तराखंड आज इन्हें नियुक्त किया गया है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भारतीय किसानों में एकता के संगठन को मजबूत बनाने में अपना अमूल्य सहयोग योगदान प्रदान करेंगे। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।